जबलपुर के नगर निगम कर्मचारियों के द्वारा टाउन हॉल गांधी स्मारक पहुंचकर वहां चल रहे मुख्यमंत्री जनसेवा अभियान शिविर को बंद कराया गया। वहीं शिविर में मौजूद नगर निगम कर्मचारियों के साथ हड़ताल कर रहे कर्मचारियों के द्वारा अभद्रता की गई। वहीं शिविर में रखी हुई कुर्सियां और पंखे आदि को हड़ताली कर्मचारियों के द्वारा तोड़ा गया। मामले की सूचना पाकर जिला कलेक्टर डॉक्टर इलैया राजा टी मौके पर पहुंचे और दोषी कर्मचारियों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराने को लेकर नगर निगम अधिकारियों को निर्देशित किया। इसके बाद ओमती थाने में पहुंचकर नगर निगम के संभागीय अधिकारी द्वारा पूरे मामले की शिकायत की गई। इस पर पुलिस ने शासकीय कार्य में बाधा समेत अन्य धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है। आज नगर निगम के जो उनके मान 12 के अंतर्गत एक शिविर का जन समस्या शिविर का आयोजन हुआ था, यह है गांधी भवन के पास टाउन हॉल के पास आयोजित हो रहा था। कुछ नगर निगम के कर्मचारी के द्वारा वहाँ पे हंगामा किया गया है। जो वहाँ पे जो उपस्थित नगर निगम के कर्मचारी थे जो शिविर को चला रहे थे, उनकी रिपोर्ट के पर हमने एक शासकीय कार्य में बाधा से संबंधित और जान से मारने और गाली गुप्तार का एक प्रकरण पंजीबद्ध किया है। शिविर किस चीज़ का था और सरकारी शिविर था? जी हाँ, यह शिविर मुख्यमंत्री के जन समस्या निवारण के उस पर आयोजित किया गया था। माननीय जिलाध्यक्ष महोदय का आदेश था इस शिविर में, और उनका कहना था कि ये चूँकि नगर निगम में स्ट्राइक चल रही है और इस टाइप का कोई शिविर आयोजित नहीं होगा, तो वहाँ उपस्थित कर्मचारियों के साथ अभद्रता की गई है और उनके शासकीय कार्य में बाधा की गई है। उन कर्मचारियों की रिपोर्ट पे हमने आपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध किया है। तोड़फोड़ में वहाँ की जो कुर्सियाँ हैं उनको नुकसान पहुँचाया गया है और जो भी पंखे अंखे थे उनको भी अल्टा पल्टी की गई है। एक नाम आया है कपिल दुबे के खिलाफ और अन्य के नाम अभी विवेचना में है। शिकायतकर्ता वहाँ की जोनल ऑफिसर जो इंचार्ज थी उनके उससे किया गया है। हाँ, जैसा कि आप लोगों को मालूम है, आज नगर निगम के कुछ कर्मचारियों द्वारा शिविर में आकर गांधी भवन में जो शिविर था वहाँ पर कुछ हंगामा किया गया था, गाली गलौज की गई थी और जिसके संबंध में नगर निगम के ही कर्मचारियों द्वारा एक FIR दर्ज करवाई गई है और उसमें पुलिस अपना काम करेगी।